यूईएफए यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट का चैंपियन इटली बना। फाइनल मैच में पेनाल्टी शूट से इटली ने इंग्लैंड को हराया। तो दोस्तों, यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट का चैंपियन अभी इटली बन गया है और इसमें उपविजेता यानी कि रनर अप रहा इंग्लैंड। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं और जानते हैं कि क्या है जानकारी, क्योंकि यह करंट अफेयर्स रिलेटेड है और हो सकता है एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाए इससे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यूरो 2020 यूरो कप का 16th एडिशन था। तो दोस्तों, यह जो यूरो कप हुआ 2020, वह यूरो कप का 16वां संस्करण था। इससे पहले 2020 में खेला जाना था, लेकिन इसे 2021 में खेला गया, यानी कि 2020 में खेला जाना था, लेकिन इसको खेला गया 2021 में, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते ऐसा 2021 में इसको कराया गया। इस टूर्नामेंट को यूईएफए के द्वारा आयोजित कराया गया और फाइनल मैच 11 जुलाई 2021 को लंदन में खेला गया। तो दोस्तों, इस जो टूर्नामेंट हुआ उसको यूईएफए के द्वारा कराया गया और इसे 11 जुलाई 2021 को लंदन में खेला गया। तो दोस्तों, यूईएफए का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो यह है यूईएफए का फुल फॉर्म, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, और यह लंदन में खेला गया यूरो 2020 का फाइनल मैच। तो अब फाइनल मैच की बात करते हैं। तो फाइनल मैच इटली और इंग्लैंड के बीच खेला गया और इसमें इटली टीम के कैप्टन जियोर्जियो चिल्लेनी थे और इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी केन थे। तो यह दोनों नाम को भी याद रखना है, इटली के कप्तान जियोर्जियो चिल्लेनी और इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन थे। खेले गए मैच में 1-1 गोल से बराबरी रहने से पेनाल्टी शूट की मदद से रिजल्ट निकाला गया। तो दोस्तों, इस मैच में पहले खेला गया उसमें 1-1 गोल दोनों तरफ से हुआ, फिर मैच का रिजल्ट निकालने के लिए पेनाल्टी शूट की मदद लिया गया और पेनाल्टी शूट की मदद से ही इस मैच का रिजल्ट निकाला गया। तो पेनाल्टी शूट 3-2 से इटली ने इंग्लैंड को हरा कर यूरो 2020 का विनर बन गया। तो पेनाल्टी शूट में 3-2 से गोल हुआ और इटली ने इंग्लैंड को हरा करके यूरो कप 2020 का विनर बन गया। इसमें इटली ने 3 गोल किए और इंग्लैंड ने 2 गोल किए पेनाल्टी शूट में। इस प्रकार से दूसरी बार इटली ने यूरो चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया। तो इटली दूसरी बार यूरो चैंपियन बना है, यह दूसरी बार है इटली के लिए। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला लियोनार्डो बोनुकी के, जो इटली के हैं। तो मैन ऑफ द मैच रहे लियोनार्डो बोनुकी इटली टीम के। टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर मिला गिनालुगी डोनोरुमा, तो यह है नाम गिनालुगी डोनोरुमा, ये भी इटली के ही खिलाड़ी हैं। तो मैन ऑफ द मैच रहे लियोनार्डो बोनुकी और टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर रहे गिनालुगी डोनोरुमा, ये दोनों खिलाड़ी इटली के ही रहे, ये आपको याद रखना है, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। दोस्तों, यूरो कप के बारे में जब बात हो रही है तो इसका एक और नाम है यूरोपियन चैंपियनशिप, तो इसी को हम लोग यूरो कप भी कहते हैं। तो यूरोपियन चैंपियनशिप, जिसको यूरो कप भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना हुआ था 1958 में। तो इसकी स्थापना हुआ था 1958 में, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि 2016 में यूरो कप का चैंपियन कौन था, क्योंकि 2020 वाला जो एडिशन 2021 में हुआ इसका चैंपियन तो इटली बन गया, लेकिन बात करें तो 2016 वाला, 2016 के यूरो कप का चैंपियन टीम था पुर्तगाल। तो पुर्तगाल 2016 यूरो कप चैंपियन रहा था। दोस्तों, यूरो कप के बारे में जानते हैं कि यूरो कप वर्ल्ड कप फुटबॉल के बाद विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो यह भी आपको याद रखना है कि यूरो कप जो है वह वर्ल्ड कप फुटबॉल के बाद विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पॉपुलर है। तो इस प्रकार से आपने देखा यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट का जो चैंपियन बना हुआ इटली बना, और यह 2021 में खेला गया कोविड-19 के चलते। तो आपको याद रखना है कि अभी करंट यूरो के विजेता जो टीम है वह है इटली और रनर अप है इंग्लैंड की टीम।